राज्यसभा चुनावों की सरगर्मियां फिलहाल तेज है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यह कहा कि कांग्रेस के पास में पर्याप्त संख्या बल है। पायलट ने यह भी कहा कि उम्मीद से ज्यादा वोट कांग्रेस उम्मीदवारों को मिलेंगे, दोनों उम्मीदवार ही जीत हासिल करेंगे। उन्होंने मनरेगा को लेकर कहा कि श्रमिक नियोजन के मामले में राजस्थान एक नंबर पर है। आगामी दिनों में पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से श्रमिक प्रधान कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में बिजली के बिल माफ करने के सवाल पर पायलट ने कहा कि मैं हमेशा से किसानों के साथ खड़ा हूं। सरकार की आर्थिक हालात ठीक नहीं है, फिर भी हर संभव मदद किसानों को दी जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पायलट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। कोरोना वैश्विक महामारी का लॉकडाउन का पांचवा चरण अभी चल रहा है। इस कोरोना काल में राजस्थान में मनरेगा के माध्यम से कई नए आयाम स्थापित किए हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ तो उस समय आपने जब ये मनरेगा शुरू किया 60,000 संख्या थी, लेकिन अब 40 लाख से ऊपर ये संख्या पहुँच गई है। कैसे ये संभव हुआ और कितना फायदा लोगों को इस मनरेगा के माध्यम से भी मिल रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि ये संजीवनी है हमारे लिए। सब कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई जब लॉकडाउन था, तो शुरू से हम लोगों ने फोकस किया और आज का आंकड़ा है कि 46 लाख लोग राजस्थान में नरेगा से रोजगार पा रहे हैं। ये हिंदुस्तान में सबसे नंबर एक पे आज कोई स्टेट अगर काम कर रही तो राजस्थान काम कर रहा है। और इसमें लगभग 10 लाख वो हैं जो प्रवासी श्रमिक थे जो वापस राजस्थान आए हैं, उनके जॉब कार्ड हम लोगों ने बनाए हैं। और जो भुगतान था वो भी 220 रुपये प्रतिदिन का हो गया। तो जब तक अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर नहीं बैठती तब तक ये एक बहुत बड़ा जीवनदान लोगों को मिला है। और हमने फोकस किया कि जो काम है वो भी व्यक्तिगत काम लोगों को दिए जाएं। खेतों पे काम का बुआई चालू हो गई है, अपने मकान का निर्माण है, शौचालय का निर्माण है, तो अपना खुद का काम करने व्यक्ति रुचि लेता है, उसका काम भी हो रहा है, उसको उसके भुगतान भी हो रहा है, तो गरीबों को जो पैसा हाथ में मिल रहा है उससे उनका आज जीवन बचा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक सुरक्षा कवच लोगों के लिए बन चुका है और मुझे खुशी है कि प्रदेश में लोगों ने बहुत गंभीरता से इसको लिया, इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। और जब महामारी में हर जगह लोगों के लिए दरवाजे बंद हो गए थे तो नरेगा के माध्यम से काम लोगों को मिल रहा है और आमदनी भी मिल रही है। सर, संख्या बड़ी संख्या हो गई है, 40 लाख से ज्यादा लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो भुगतान की समस्या है वो पहले भी थी, अभी क्या स्थिति है, क्या लोगों को समय पर इसका भुगतान मिल पा रहा है? हमारे को उनको भुगतान करना पड़ता है 15 दिन के अंदर अंदर, तो 99.6% हम भुगतान समय पर कर रहे हैं। मैंने केंद्र सरकार को लिखा है कि अभी हमने टाइम बदला है, 6 से 1 किया हुआ था, तो मैंने भारत सरकार को लिखा है कि बहुत भीषण गर्मी पड़ी थी पिछले दिनों में, तो अगर और कहीं कमी हो सकती है तो उसका मैंने रिक्वेस्ट किया भारत सरकार को। भुगतान समय पर हो रहा है और भारत सरकार ने भी थोड़ा इसका बजट बढ़ाया है, लेकिन किसी को कल्पना नहीं थी कि इतना यहाँ पे कामयाब ये स्कीम हम लोग कर पाएंगे, इसलिए और बजट की अगर जरूरत पड़ेगी उसको मांग लेंगे। फिलहाल भुगतान समय पर हो रहा है लोगों का, और हमने तो ये भी कहा कि 100 दिन की जगह इसको 200 दिन कर दें, ताकि अब इतना आर्थिक मंदी आ गई है कि और विकल्प लोगों के पास बचा नहीं है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि भारत सरकार भी इसको गंभीरता से लेगी। सर, लॉकडाउन का पीरियड अभी चल रहा है, लोगों के सामने रोजगार की समस्या है भी और लॉकडाउन के बाद और ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे में दो बड़े डिपार्टमेंट आपके पास हैं, आपने ये कहा भी है कि जो श्रमिक प्रधान जो कार्य हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे, आपके विभाग के माध्यम से अभी मनरेगा के अलावा ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप अभी श्रमिक हितों के लिए प्राथमिकता? क्योंकि बारिश आने वाली है तो पानी से संबंधित जो योजनाएं हैं, पीने का पानी है, टांके बनाने हैं, एनीकट निर्माण करना है, कैनाल बनाने हैं, कुएं खुदवाने हैं, वो काम हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो नरेगा ग्रामीण विकास में हमने नारा दिया है कि 1 ग्राम 4 काम, तो उसमें चारागाह भूमि को तारबंदी करनी है, समलतीकरण करना है, लेवलिंग करनी है, स्कूलों के लिए प्लेग्राउंड बनाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाँव में एक एसेट का निर्माण भी हो कि जब आदमी काम कर रहा है या लेबर काम कर रही है तो वहाँ पे कुछ उसका निर्माण दिखना भी चाहिए। तो 1 ग्राम 4 काम का हमने नारा दिया था, इसमें शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, इस सारे काम हर गांव में बनने हैं। वाटरशेड के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि जो पीने के पानी की हमेशा एक जटिल समस्या राजस्थान में रहती है तो उसका भी निराकरण हम लोग इस ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से कर सकते हैं। सड़कों का निर्माण भी अब दोबारा चालू हो रहा है धीरे धीरे, तो मेरा फोकस है कि जो ग्रामीण इलाके की सड़कें हैं उनको मजबूत हम करें, बाकी स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे तो पहले बने हुए हैं और उसमें पैसा आएगा, लेकिन जो रोड नेटवर्क है ग्रामीण क्षेत्रों को उसको और पुख्ता करना चाहते हैं। सर, जो संकट पैदा हुआ है महामारी के चलते उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 साल तक जो MLA लेड का पैसा है उसको
स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। राजस्थान में ये निर्णय लिया है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सकेंगी, क्या कहेंगे आप इसमें? निश्चित रूप से आज जो चुनौती है, भगवान ना करे कभी दोबारा ऐसा मौका है, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पुख्ता तो होना चाहिए। तो इस चुनौती को हमने एक अवसर में परिवर्तित करने की सोच रखी है कि जो पैसा है वो PHC CHC में, और हमने ये भी कहा है कि विधायक निधि का पैसा जो है वो उस क्षेत्र में इस्तेमाल हो, ताकि विधायकों को लगे कि भी हमारे इलाके में काम हो रहा है। बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि सार्थक कदम है, क्योंकि आज इस तरह की महामारी आई है, कल को 2, 5, 10, 20 साल के बाद कुछ और ऐसा हादसा अगर हुआ प्रदेश में, तो कम से कम उसको ढंग से रिजॉल्व करने की जो ताकत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पीछे होना चाहिए। सर, केंद्र में कांग्रेस विपक्ष में है, तो एक सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया, केंद्र सरकार से मांग रखी कि सीधे गरीब जनता के हाथ में पैसा दिया जाए। वहीं राहुल गांधी हैं, वो भी एक्सपर्ट के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है, आपने भी कई बार कहा कि जो लॉकडाउन में कमियां रही, जो केंद्र सरकार ने कमी रही, उसके ये परिणाम आज सामने आ रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में पैदल पलायन कर रहे हैं, क्या कमियां रही? किसने नहीं देखा कि लाखों गरीब लोग पैदल सड़कों पर चल रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं तड़प रहे हैं, बेरोजगार हो गए, भूखे हैं, और उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। तभी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम उनके आवागमन का जो खर्चा है वो हम उठाएंगे। और आज भी हम, सिर्फ हमारी बात नहीं है, अधिकतर लोग ये समझते हैं कि जो स्टिमुलस पैकेज है उससे पैसा लोगों के हाथ में आए तभी तो खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। अब लोन देने की प्रक्रिया आप आसान कर दें, बड़े बड़े उद्योगों को आप करें, वो भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के हाथ में पैसा दें ये बहुत विशेषज्ञ बोलते हैं, राहुल जी ने बोला है, और हमारी पार्टी हमेशा इस बात को बोलती आई है। प्रियंका गांधी ने मांग रखी, यूपी सरकार को लेटर लिखा कि बिजली के बिल हैं वो माफ किए जाएं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या यहाँ भी बिजली के बिल माफ किए जाएंगे? कई जो कैबिनेट के मंत्री हैं, विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने भी ये डिमांड रखी। देखिए, हम तो चाहते हैं हर तरह से मदद हो किसान की, गरीब की, और जो संभव होगा उसको सरकार निश्चित रूप से करेगी। मैं हमेशा किसान के साथ खड़ा रहा हूँ, आज भी मैं समझता हूँ, हर प्रयास हम करेंगे कि उस पर जो कठिनाई आई है, फसल खरीद की बात हो, खाद बिजली की बात हो, पानी की बात हो, हर संभव मदद हम लोग करना चाहेंगे जितना हो सकेगा। आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं है प्रदेश की, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि सरकार किसानों की पूरी मदद करे, और इसकी मैं हमेशा पैरवी करता है। सर, अंतिम सवाल, राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, 19 जून को मतदान होगा, संख्या बल आपके पास है, लेकिन बीजेपी ने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं, तो कितने चुनौती कांग्रेस के सामने है? अब उम्मीदवार उतारा है कि चुनाव हो जाए, जब हम लोग विपक्ष में थे हम लोगों ने भी एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन किया था चुनाव कराने के लिए, लेकिन संख्या बल पर्याप्त है कांग्रेस के पास, समर्थन हमारे पास जितना बहुमत उससे ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई दिक्कत चुनाव में हमको आने वाली है। क्रॉस वोटिंग का खतरा मतलब ही नहीं है, मतलब मॉक पोल पहले चुनाव से पहले किया जाएगा ऐसी पार्टी? हमारे जो उम्मीदवार पार्टी ने दिए हैं वो अच्छे चुनाव जीत के जाएंगे, बल्कि जितना बहुमत लोग समझते हैं उससे ज्यादा बहुमत मिलेगा। थैंक यू। शुक्रिया। तो ये थे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में लॉकडाउन के पीरियड में मनरेगा में नए आयाम स्थापित किए हैं, साथ ही नरेगा के माध्यम से रोजगार लोगों को दिया जा रहा है, साथ ही श्रमिक प्रधान जो कार्य हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी ने हालांकि एक रणनीति के तहत उतारा है, लेकिन वो कभी रणनीति में कामयाब नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।